मेरा नाम उमेश है और आज मैं पॉइंट से कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वापस आता हूँ। सो आपके आपके पॉइंट से कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप कॉन्फिडेंटली कह सके कि मुझे पॉइंट आता है, राइट? सो चलो करते हैं स्टार्ट। सो ये पहला क्वेश्चन है, बेसिकली मैं बेसिक्स क्वेश्चन लेके सॉल्व इसलिए करता हूँ ताकि आपको बेसिक सीख मतलब बेसिक आए। अगर मैं स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लूँगा तो आपको हो सकता है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए। सो प्लीज़ इसलिए ये मत समझना कि आप मैं हमेशा इजी क्वेश्चन ही सॉल्व क्यों कराता हूँ, राइट? इसके बाद में टफ प्रॉब्लम भी लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना? सो तब तक के लिए पेशेंस रखें और इन पे कॉन्सेंट्रेट करें। सो मेन फंक्शन आपको अज्यूम करना है कि ऑलरेडी इन सबके हेडर फाइल इंक्लूडेड हैं। सो ये मत बोलना कि ये प्रोग्राम गलत है, ठीक है? सो इसमें एक एरे लिया हुआ है कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है ना, जिसके अंदर नीचे वैल्यू क्या है, हेलो वर्ल्ड। सो मैं इसको ग्राफिकली लिख लेता हूँ, सपोज करता हूँ मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, राइट, डब्ल्यू ओ एल डी, सॉरी फॉर द स्पेस, लेट मी टाइप डी हियर, ओके, सॉरी, डी इज स्मॉल, आर इज ऑल्सो स्मॉल, एल इज ऑल्सो स्मॉल। सो अब हम लोग इसको इंडेक्सेस दे देते हैं, जैसे कि आपको अर्ली क्लासेस में बताया हुआ है कि हमेशा इन चीज़ों को इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है? नाइन, सो देख सकते हो कि लेंथ जो है इस वर्ड की वो क्या है, नाइन, नाइन प्लस वन दैट इज टेन, सो लेंथ इसकी टेन है। सो इस लाइन का मतलब क्या, सी आउट, हमें प्रिंट करना है एरे पे जाके जो कि सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। इसमें क्या बोला हुआ है कि एरे एरे के फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, और सिंपल रिटर्न जीरो, प्रोग्राम से बाहर, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे कि सेकंड पे क्या है, सेकंड पे एल, ठीक है ना? सो इसका आंसर क्या हुआ, एल प्रिंट होगा, ठीक है? वैल्यू एट फाइव डब्ल्यू है, सो डब्ल्यू प्रिंट होगा, राइट? सो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, एल डब्ल्यू। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, शायद आपको नहीं पता होगा वो चीज़, कि जो ये लिखा हुआ है ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉइंटर्स के टर्म्स में। जैसे कि मैं आपको बता दिया कि हम मैं पॉइंटर्स टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली पॉइंटर्स के टर्म्स में देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? सो आप देखते हैं कि इस चीज़ को पॉइंटर्स में कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि इसको पॉइंटर्स में कैसे लिखते हैं। पॉइंटर्स, जैसे कि आपको बताया था कि एक पॉइंटर, सबसे पहले एक पॉइंटर बनाते हैं जो कि इसके बेस एड्रेस को शो कर रहा होगा, ठीक है? ठीक है, अब पॉइंटर्स को, जिसकी बेस एड्रेस, अभी इसका बेस एड्रेस एच पे है, तो मुझे कितने स्टेप्स बेस को प्लस करना पड़ेगा इस टू पे आने के लिए, टू प्लस करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ करेक्टर टाइप का, ठीक है ना, जिसका नाम देता हूँ कुछ स्टोर, जिसके अंदर इनिशियली इसका एड्रेस डाल दिया मैंने, ठीक है ना, एरे का। इसका मतलब है कि ये स्टोर कर रहा है अभी, ठीक है? सो अब मुझे प्रिंट करना है एरे ऑफ टू। सो मैं सिंपल लिख सकता हूं कि भाई पहले मुझे उस एड्रेस पे जाना है, ये स्टेप लिख के मैं इस एड्रेस पे आ गया, ठीक है, 0 1 2, मतलब मैं इस एड्रेस पे आ चुका हूं। अब मुझे इस एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है मुझे वो चाहिए, ठीक है? तो मैं सिंपल उसको वैल्यू एट ऑपरेटर यूज करूंगा और प्रिंट करा दूंगा। सो ये जो लाइन होगी ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है इस लाइन के, ठीक है? तो ये होता है पॉइंटर वे होता है इस चीज को लिखने का, ठीक है ना? आपने सिंपल से तरीका देखा, मैंने सिंपल एक पॉइंटर लिया, इसका एड्रेस के अंदर स्टोर कराया, मैं उस एड्रेस पे गया और उसको रीडायरेक्ट कर दिया। इसको रीडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया था, और वैल्यू एट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है? तो सिंपल था, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में था। अब हम लोग देख लेते सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? सो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, उसमें भी एक एरे दे रखा है। ये सेकंड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ठीक है? एक एरे दिया हुआ है, इसके अंदर नीचे वैल्यूज हैं, हमने एक दूसरा पॉइंटर लिया बी ऑफ टाइप इंटीजर, उसके अंदर बेस एड्रेस डाल दिया। अब जैसे कि मैंने बताया था
कि एरिया ऑफ टू और ये चीज तो बराबर होती है, तो ऑब्वियसली इफ कंडीशन ट्रू होगा, इफ कंडीशन ट्रू होगा वो अंदर जाएगा और सक्सेस प्रिंट हो जाएगा। अगर ये चीज में ये लिखता कि एरिया ऑफ थ्री, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होता, फेल, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होती ही नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ थ्री, सॉरी एरिया ऑफ थ्री तो कुछ हुआ ही नहीं, एरिया ऑफ वन, तो एरिया ऑफ वन पे जो आंसर है वो ये है और एरिया ऑफ टू पे जो है वो ये है, तो ये और जो ये और ये वैल्यू दोनों सेम नहीं है, तो सिंपल इसका आंसर क्या आएगा, इसका इस इफ का कंडीशन का जो रिजल्ट होगा वो जीरो होगा, और जीरो पे इफ अंदर जाएगा ही नहीं तो सिंपल एल्स पे जाएगा, फेल प्रिंट होगा बाहर जाएगा, दिस इज सिंपल। सो अब मैं आपको कुछ काम हूँ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, सो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को देख के आपको कॉन्फिडेंसली फील होगा कि यस मुझे अब पॉइंट आता है, ठीक है। सो अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं।